सारे दर्शकों ने राम राम में मनजीत कोथ। फिलहाल बरुआला में हाँ मेरा पीछा आप देखने लग रहे हो प्रशासनिक भवन। तो एक मामला उकलाने का आया था, मास्टर की बोतल तो छोरे ने पानी पी लिया था और उस मास्टर ने छाती पे पैर रख के उसके मुंह में पानी भी डाला था, वो पिटा भी था। ये मामला था, परिवार का आरोप था ये कि इस तरह नू मारिया पिटा है, छोरा ने बताया था, पहला वीडियो बनाई थी। लेकिन आज अगर बात करा दलितों के मसीहा कह लो या दलित अधिवक्ता रजत कलसन हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करांगे आखिर पूरा क्या मामला है। मामला उकलाने का है, आज बरुआला पहुँच रहे हैं, बरुआला ज्ञापन देने आ रहे हैं, क्या कुछ मामला है कि। और थोड़ा आपको बताना चाहूँगा, दलित समाज का लड़का है और जो मास्टर बताया गया है वो ब्राह्मण समाज का। देखिए जाति धर्म से हमने कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो अभी सामने आ रहा है वो आप लोगों तक हम रूबरू हो रहे हैं, वो आप लोगों तक शेयर करना चाहते हैं। और अभी बरुआला पहुंचे, बरुआला एसटीएम साहब से ज्ञापन देने आए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है तो एक बार बातचीत कर लेते हैं। जी सर बताइए, आज जो है आप बरुआला पहुंचे हैं, क्या कुछ मामला था और आज एक ज्ञापन दिया गया है, उसमें क्या कुछ मांगे रखी थी? आज से दो दिन पहले जो स्थानीय मंत्री हैं अनूप धानक, उनके आवास के सामने पीड़ित परिजनों ने एक धरना किया था कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। और उसमें ये तय हुआ था कि इस मैटर में हम गिरफ्तारी ना होने की स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जो हैं उनके आगमन के टाइम पर उनको अर्धनगद होकर काले झंडे दिखाने का हम काम करेंगे। तो पुलिस ने आनन फानन में इस मामले में, ताकि बीच का रास्ता निकालते हुए, ताकि पीड़ितों पर भी धरना खत्म करने का दबाव बनाया जा सके और आरोपी को भी बचाया जा सके, इस मैटर में आनन फानन में अपनी जांच पूरी की। जांच पूरी करके चालान टू कोर्ट किया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कानून सीआरपीसी एससी एसटी एक्ट का सेटल्ड लॉ ये कहता है कि आप कोर्ट में चालान दे रहे हैं, चालान देने से पहले आरोपी गिरफ्तार होना चाहिए, उससे पूछताछ होनी चाहिए, उससे विस्तृत जांच में वो शामिल होना चाहिए। लेकिन इस मामले में पुलिस ने आउट ऑफ वे जाकर, पुलिस का मैं नाम नहीं लूंगा, इस मामले में जांच अधिकारी गौरव शर्मा ने आउट ऑफ वे जाकर आरोपी को पुलिस बेल देने का काम किया। एससी एसटी एक्ट नॉन कंपाउंडेबल कॉग्निजेबल ऑफेंसेज का एक कानून है, विशेष कानून है, और इसमें किसी भी तरह से एंटीसिपेटरी बेल का, अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है। अग्रिम इसमें दफ़ा 18A सेक्शन प्रोवाइड कराया गया है एससी एसटी एक्ट में, जिसके अनुसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और इवन सुप्रीम कोर्ट भी इस केस के आरोपी को जमानत नहीं दे सकती अगर उसके खिलाफ प्राइमा फेसाई केस बनता हो। हमारे मामले में इस बच्चे के साथ उत्पीड़न के मामले में प्राइमा फेसाई केस मेड आउट होता है, इसके बावजूद इसने एक गैरकानूनी कदम उठाते हुए आरोपी को फायदा पहुंचाने की नीयत से उसने इसको बाहर की बाहर जमानत दे दी, पुलिस बेल दे दी। पुलिस बेल मैं आपको बता दूं, पुलिस बेल आम तौर पे जो दी जाती है वो बहुत छोटे छोटे ऑफेंस हो गए, जुए का हो गया, शराब का हो गया, 157 का हो गया, इस तरह के अपराधों में पुलिस बेल दी जाती है। लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि एससी एसटी एक्ट में इन्होंने पुलिस बेल देने का काम किया है। तो हमको कल जो ई कोर्ट अदालत की साइट है उससे पता चला कि इन्होंने पुलिस ने कोर्ट में चालान दे दिया है, और अदालत ने जो हिसार की विशेष अदालत है और विशेष अदालत ने आरोपी और शिकायतकर्ता का दोनों को नोटिस दिए हुए हैं, और इसमें शायद 3 अक्टूबर की तारीख फिक्स की गई है। लेकिन अदालत अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा, लेकिन जो पुलिस का जो एक रोल था ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करने का, वो इन्होंने बिल्कुल नहीं किया। जांच अधिकारी के बारे में हमें पता चला है कि वो ब्राह्मण कम्युनिटी से है, आरोपी के बारे में हमें पता चला है ब्राह्मण कम्युनिटी से है। तो इसमें सीधा सीधा जो DSP गौरव शर्मा है उसने दफ़ा 4 एससी एसटी एक्ट के तहत अपराध किया है। दफ़ा 4 एससी एसटी एक्ट ये कहता है कि जानबूझकर केस एससी समुदाय के केस को कमज़ोर करने के लिए अगर जांच की जाती है तो वह एससी एसटी एक्ट के तहत 4 के तहत वो जांच अधिकारी अपराधी है। इसके अतिरिक्त आईपीसी की धारा दफ़ा 166, 166A और 217 और 219 भी अट्रैक्ट होती है, क्योंकि इसमें कानून पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून की जो डायरेक्शन है उसको इग्नोर करके किसी आरोपी को फ़ायदा बचाना, उसे कानून की सज़ा से बचाना और उसे लीगल प्रोसीडिंग्स से बचाना, ये भी एक अपराध इन धाराओं के तहत अपराध है। तो DSP साहब ने ये सारे के सारे अपराध किए हैं। आज हम यहाँ पर आए थे लघु सचिवालय बरवाला में, पीड़ित परिवार साथ है, हमारे सभी साथी समाज के जो प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट हैं सारे के सारे हमारे साथ हैं, और हम सब ने मिल के
मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया है, उस पर पीड़ित परिवार के दस्तखत हैं और उसमें हमने मांग की है कि इस डीएसपी के खिलाफ दफा 4 SC/ST एक्ट दफा 166A 217 और 219 IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, इसको गिरफ्तार किया जाए और इसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। ऐसे पुलिस अधिकारी जिनके दिमागों में जाति के इंजेक्शन लगे हुए हैं वो बिल्कुल भी पब्लिक डीलिंग के लायक नहीं है। ऐसे अधिकारियों को खाकी वर्दी पहनने का बिल्कुल भी हक नहीं है। हम पहले से कह रहे हैं कि हरियाणा में जो पुलिस अधिकारी तैनात है, खासतौर पर SC/ST एक्ट में जाँच करने वाले जो DSP हैं, ये DSP पुलिस के अधिकारी ना होकर इनके अंदर जातिवादी गुंडे इन वर्दियों के अंदर घुसे हुए हैं जो खास तौर पे एक कम्युनिटी के उत्पीड़न को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। तो आज हमने ये ज्ञापन दिया है, तहसीलदार साहब यहाँ पे आए थे, तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है और उन्होंने कहा है कि हम मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे। हम यहीं तक नहीं रुकेंगे, कल ही हम पीड़ित परिवार की तरफ से DSP SP ADGP DGP और होम सेक्रेटरी को लीगल नोटिस भेजेंगे कि इस DSP को बर्खास्त किया जाए, 15 दिन के अंदर बर्खास्त किया जाए। अगर 15 दिन के अंदर हमारे लीगल नोटिस पे कार्रवाई नहीं होती है तो SC/ST एक्ट की विशेष अदालत में इस DSP के खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करने का काम करेंगे। इस DSP को हम नौकरी पे नहीं रहने देंगे। आज मुख्यमंत्री का विरोध भी करने वाले थे सर? मुख्यमंत्री का हम विरोध करने वाले थे, लेकिन मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि इन्होंने कोर्ट में चालान दे दिया और उस चालान का संज्ञान लेके विशेष अदालत ने आरोपी को नोटिस जारी कर दिया। अब मामला विचाराधीन अदालत हो गया और इन्होंने पुलिस बेल दे दी उसको। कहीं ना कहीं इन्होंने एक जानबूझकर कानूनी टेक्निकल अड़चन अड़ा दी जिसके चलते हमको ये जो काले झंडे दिखाने वाला प्रोग्राम था वो स्थगित करना पड़ा। अब हम इस मामले में जो अपनी कानूनी सख्त कानूनी कार्रवाई जो है DSP के खिलाफ, उस आरोपी के खिलाफ वो करने का काम करेंगे। सर प्रावधान तो ये भी है, अगर आप अधिकारी से संतुष्ट नहीं है जांच अधिकारी से तो आप अपना अधिकारी बदल सकते हैं। हम अधिकारी से जांच करवा, पीड़ित परिवार को इस बात का मौका ही नहीं दिया गया कि वो जांच अधिकारी बदलवाने का काम करे। 21 तारीख की घटना है और आज आप देखिए 7 तारीख है, केवल 15 दिन के अंदर अंदर इन्होंने सारे का सारा प्रोपेगंडा करके वो कर दिया। आम तौर पे SC/ST एक्ट में जो चालान दिया जाता है, पुलिस जो है 3 महीने के अंदर चालान देने का काम करती है, लेकिन इस केस में आनन फानन में आरोपी को बचाने के लिए जांच की गई, 15 दिन में जांच वो अंतिम रिपोर्ट तैयार करके टू कोर्ट कर दी गई। आप पीड़ित परिजनों को गुमराह किया गया और वहाँ पर जो धरने पर जो 2 पुलिस अधिकारी हमारे समाज के लगाए हुए थे, उन पुलिस अधिकारियों के माध्यम से पीड़ित परिजनों को ये कहा गया कि 2 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लेंगे, आप अपना धरना स्थगित कर दीजिए, और इसकी आड़ में चुपके से पीछे से इन्होंने जांच को है ना फाइनल रूप देकर ट्रू कोर्ट कर दिया। सर 3 महीने में अगर जांच पेश करते हैं, रिपोर्ट पेश करते हैं, तो फिर आप कहते हो कि लेट कर दी जाती है और नहीं 15 दिन में कर दिया तो अब आप इसका इस नहीं देखिए इसमें स्पष्ट है, इसमें स्पष्ट है SC/ST केवल अगर SC/ST एक्ट में केस दर्ज हो तो 30 दिन के अंदर जांच पूरी करनी है। अगर SC/ST एक्ट के साथ कोई IPC की धारा लगी हुई है तो टाइम एक्सटेंड 3 महीने तक हो जाता है। इसमें SC/ST एक्ट है और इसमें JJ एक्ट है, तो इसमें 2 महीने का टाइम पुलिस के पास था। और इसका मतलब ये नहीं है कि जल्दी जांच कर दी, जल्दी जांच क्या कर दी इन्होंने, इन्होंने कोई हमको न्याय देने का काम थोड़ी किया है। इन्होंने तो आरोपी को पुलिस बेल दे दी, आउट ऑफ वे जाकर गैर कानूनी तरीके से नाजायज रूप से SC समुदाय के व्यक्ति द्वारा फाइल केस को कमजोर करने के लिए और आरोपी के केस को मजबूत करने के लिए इन्होंने इस तरह से आउट ऑफ वे जाकर नाजायज तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से इस केस में जांच करने का काम किया है। इस जांच में जातिवाद पूरी तरह हावी रहा है, इस जांच में राजनीति पूरी तरह हावी रही है और इस जांच में एक सरकारी दमन जो SC समुदाय के लोगों का, वो आप लोगों को साफ नजर आया होगा। सर परिवार की तरफ से बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जिस प्रकार से जिस भी अधिकारी से सवाल करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि लिखित में हमें कोई शिकायत नहीं दी गई, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए इस मामले में हमारे संज्ञान में भी आया है कि पीड़ित परिवार को धमकियां देने का काम किया जा रहा है और उनको उनके ऊपर दबाव बनाया जाने का काम किया। अभी मैं पहली बार पीड़ित परिवार से सामने रूबरू हुआ हूँ, इससे पहले मिला हूँ लेकिन बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए मिला हूँ। तो आज हम इन लोगों से बातचीत करेंगे, जो जो लोग इनके पर दबाव बनाने वाले हैं, जो जो लोग इनके ऊपर धमकी देने वाले हैं, उन लोगों के खिलाफ हम अलग से शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराने का काम करेंगे। प्रदीप जी आज इधर जी, प्रदीप जी आप भी लगातार इस पूरे मामले की अगुवाई कर रहे हैं, क्या लगता है किस प्रकार की कार्रवाई जो है वो हो रही है? देखिए मैं धन्यवाद करता हूँ पत्रकार सभी बंधुओं का कि जो आम जनमानस की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं आप लोग। बात यह है कि कहीं ना कहीं जांच प्रभावित हुई है। DSP गौरव शर्मा ने, जैसे कि भाई हमारे अधिवक्ता रजत ने बताया कि DSP गौरव शर्मा ने सेम जाति का व्यक्ति होने के नाते उसको बचाने का काम किया गया है। बचाने का इसलिए क्योंकि DSP गौरव शर्मा भी ब्राह्मण है और वो भी ब्राह्मण है।
जांच इतनी, मतलब हमने बात करी, उन्होंने कहा कि अधिकारी बदल लो। आपका क्वेश्चन था कि अधिकारी बदल लो, हम अधिकारी क्यों बदल लें? जब ये डीएसपी काम कर सकता है दूसरा डीएसपी भी काम कर सकता है। जब यहाँ पे संविधान ये कहता है कि एससी एसटी का मुकदमा जब दर्ज होता है तो तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी की जाए, यहाँ पे एससी एसटी का मुकदमा दर्ज होगा उसके बाद में गिरफ्तारियाँ नहीं है, तो ये कब तक चलता रहेगा? ये नाटक जो हिसार के अंदर यानी पूरे हरियाणा के अंदर ये चल रहा है, ये बर्दाश्त से बाहर है। लड़का जो ये देखो आप, ये लड़का है, इसके आप बयान देखोगे, इसके साथियों के बयान देखोगे, शुरुआत पहले दिन से ही सेम बातें हैं। लेकिन ये जो चीज़ें जो हिसार के प्रशासन ने की है, डीएसपी गौरव शर्मा ने की है, यहाँ तक कि एसपी गंगाराम पुनिया के साथ में मैं लगातार टच में था इस मुद्दे को लेकर, मैंने लगातार बातचीत करी, मैंने कहा है उनसे कि सर इसमें कार्रवाई हो, कार्रवाई हो। लेकिन कहीं ना कहीं गंगाराम पुनिया जी भी इसमें इन्वॉल्व है, उन्होंने कहा कि इस पर हम उचित कार्रवाई करेंगे, आज तक वो उचित कार्रवाई नहीं हुई। आज हमने इसलिए यहाँ पे आए क्योंकि हमारा पूरा एक संकल्प लेके आए थे कि हम अर्धनग्न हो गए, काले झंडे मुख्यमंत्री को दिखाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं डीएसपी गौरव शर्मा ने कानून का सहारा लेके टू कोर्ट चलान करके और उसको बचाने के लिए उसको पुलिस बेल दे दी, जबकि ये प्रावधान नहीं है कि पुलिस उसको पुलिस बेल नहीं दे सकता। और गौरव शर्मा ने सीधा सीधा ये कानून का हनन किया है, ये जो हनन किया है इसके खिलाफ हम एक मोर्चा निकालेंगे। जैसे कि अधिवक्ता रजत कल्सन ने बताया कि 15 दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर हमें चाहे एक जनपद बड़ा जन प्रदर्शन करना पड़ो, उनके खिलाफ भी धरने पर बैठना पड़ो या फिर कोई और कार्रवाई करनी पड़ो, कानून जो कि देखिए हम संविधान को मानते हैं, संविधान को मानते हुए हम काम करते हैं। इसलिए लगातार मैं इसमें बीरबल भाई है उसको धन्यवाद करना चाहूँगा, क्या बीरबल भाई मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो बीरबल भाई की अध्यक्षता में ये धरना चला, बीरबल भाई की अध्यक्षता में सारी चीज़ें आज तक होती रही है। कम से कम इतना तो होगा कि डीएसपी ने उसको आरोपी तो साबित कर दिया एटलीस्ट कि भाई एससी एसटी का मुकदमा दर्ज उस वजह से एक्ट है वो टू कोर्ट हो गया, कम से कम ये तो चीज़ होगी। लेकिन हम बिल्कुल भी खुश नहीं है, जो ये जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं बिल्कुल भी खुश नहीं है चीज़ से, इस प्रतिक्रिया से कि डीएसपी गौरव शर्मा ने जांच को प्रभावित करते हुए आरोपी पक्ष को बचाने का काम किया है और आने वाले समय में अगर उसके खिलाफ कोई उचित कदम हम उठाएंगे, क्योंकि लगातार शेड्यूल कास्ट के हरियाणा के अंदर लगातार शोषण हो रहा है, दूसरी जाति का शोषण नहीं होता। अगर ये मुकदमा अगर 751 का शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति के ऊपर होता तो अब तक उसको गिरफ्तार कर लिया जाता, 323 में गिरफ्तार कर लिया जाता। ये चीज़ें कब तक चलेगी? ये चीज़ें बर्दाश्त से बाहर है और आने वाले समय में हम सारे बहुजन संगठन, जैसे कि हमारे बहुजन एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बलवान जी हैं, तमाम साथी हैं, अंकल जी हमारे साथ में हैं जो लगातार इस चीज़ को देखते आ रहे हैं, मैं तमाम साथियों का धन्यवाद करना हूँ, रमन भुन्ना का धन्यवाद करता हूँ, कमल भाई का धन्यवाद, कुलदीप भाई का धन्यवाद करता हूँ जो लगातार। क्या क्या रखी गई? इन्होंने मांग रखी है कि जो इनकी जांच चल रही है उसके बारे में इन्होंने मांग रखी है, कुछ इन्होंने अपने और तथ्य रखे हैं इस जांच में, और इन्होंने ये रखा है कि जमानत पर छोड़ने और गैर कानूनी मामले में जांच अधिकारी को बर्खास्त करने बारे इन्होंने ज्ञापन दिया है। ठीक है, तो जो भी इनकी डिमांड है काफ़ी विस्तृत है और 1-2-3 पेज पे हैं, तो हम जरूर ऊपर पहुँचाएंगे। सर, एससी एसटी और जुनाइल जस्टिस जैसी संगीन धाराओं में मामला दर्ज है, लेकिन 15 से 20 दिन बीत जाने के बाद भी गिरफ्तारी को लेकर के किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया जाता। देखो, जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है वो तो पुलिस से ही करेंगे कि वो अपना निष्पक्ष जांच करे और निष्पक्ष कार्रवाई करे, इस बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा क्योंकि जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट तो पुलिस महकमा ही इसमें कोई कार्रवाई कर सकता है। लेकिन इनका जो मांग पत्र है ये मैं ऊपर भेजने का पूरा वो करूँगा, अपना आज ही इसको भिजवा दूँ। सर, पीड़ित परिवार के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमें हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है समझौते के लिए। नहीं, अगर कोई प्रेशर किसी के पास भी कोई है तो वो शिकायत दे सकता है, लिखित में शिकायत दे तो भी अच्छा है, जुबानी बोलना कई बार होता है कि इतना कंसीडर नहीं कर पाते, कोई भी किसी को परेशान कर रहा है तो वो लिखित में हमारे पास भी शिकायत दे सकते हैं। सर, एक शिक्षा विभाग की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की गई थी, उसका भी अभी तक किसी प्रकार का कोई नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं जिस चीज़ के बारे में नहीं है उसके बारे में मैं कुछ बता नहीं पाऊँगा, मैं इस ज्ञापन को अभी तुरंत पहुँचा दूँगा, इतना ही कर सकता हूँ। ठीक, धन्यवाद।